खरीदारी का खेल चल रहा है और अभी आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो जनाब सुबह हो गई है और बस एज यूजुअल बहुत सारे काम पड़े हैं। आज मेले जाने हैं, सौदा लेने जा रहे। अच्छा, सौदा भी लेने जाना है। और ये कल जो मेरा बाइक पंक्चर हो गया था, मामू के घर खड़ा था, सारा दिन इसका बाइक यूज़ किया है। पहले इसको लेके जाते हैं पंचर लगाने और इसको छोड़ के हम मेले जाएंगे और फिर गपशप लगाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के। तो मैंने अपना बाइक जो है पंचर वाले के पास छोड़ दिया है। पंचर वाला तो नहीं था लेकिन उसके पड़ोसी के पास छोड़ दिया है। और बस मेले पहुंच गए हैं और आज मेला सही गर्म होगा क्योंकि आज हम सुबह के टाइम आए ना मामू। बस ये आप लोगों को पता है, ये अपने लिए बचत कर रहे हैं, पता है वो बचत करा रहे हैं। अभी वो खुद बचत करा रहे हैं, इतनी महंगाई में क्या करें, मेले से खुद शॉपिंग करेंगे। नहीं, मेले से शॉपिंग करेंगे, वो बाइक भी नहीं ठीक करा रहे हैं। अच्छा। हमारे खर्चे भी चल रहे हैं आपको, आपके पेट्रोल पे है ना, ये सारा दो नंबर ही है इसका। चलो मेरा बाइक पंचर लग जाए तो फिर सारा वो निकाल लेंगे, फिर मेरे बाइक पे चलेंगे। तो ठीक है, लेकिन अब ये अब दो का कर रहे हैं। चलो खैर यार, गुजारा करो यार। चलो ठीक है, एक दिन और गुजारा कर। सही है। अच्छा जी, तो मेले पहुंच कर यहाँ पर पुराने बडीज मिल गए, दोस्त मिल गए हैं। और ये है हसीफ जान द ग्रेट। क्या रे, और एहसान जान तो बस आप तो इसको जानते हो। एहसान जान, आप मास्क पहनोगे या नहीं पहनोगे? हम तुम्हें पहचानते हैं, तो मेरी पहचान में आओगे। इधर आए हैं और हसीफ भाई को चैलेंज देने, हसीफ को चैलेंज देने। ये मामू लोग भी आ गए हैं। तो हसीफ भाई को चैलेंज देते हैं। हसीफा कल संडे है, सुबह सवेरे 7 बजे से पहले पहले पहुंचना है और जबरदस्त चैलेंज। दारी का खेल चल रहा है और अभी आपको दिखाते हैं। کم سره وای دا بابا کور کې بیمار دی دا د بیمار په غاله کې واچوي چې چانه سو خبري یار دوست منګره دا د شاته خپل د خپسړي د ګولې
तकरीबन 10-15 साल से हम मेले आ रहे, लेकिन हमने भी कभी ये सांप और इसको क्या कहते हैं, नेवले का, सांप और नेवले का जो ये शो है ना, ये हमने भी कभी नहीं देखा। कभी एक चीज निकालते है मदारी तोप है ना, ये इसको तो ऐसे मदारी तोप नहीं कहते, कभी एक चीज निकालते है, कभी एक चीज निकालते है। यार बस ये देखो खूबसूरत खूबसूरत कमतरी, छोड़ो मदारी, कमतरी है, कमतरे का सारी मामारी। कमतरे देखा हो, कमतरे कितने जबरदस्त कमतरे, वाह। कितने जबरदस्त जबरदस्त तोतियाँ है, तोतियाँ अच्छा जनाब, तो क्रिकेट खेलने आ गए हैं और आज जो है कल वाली वीडियो अब तक एडिटिंग रह गई थी, तो मैं इधर थोड़ा बिजी था एडिटिंग में और बस अभी उठ गया हूँ, अभी क्रिकेट खेलेंगे। ये लोग खेल रहे कब से, लेकिन मैं अभी इनको ज्वाइन करूँगा। और वो ओल्डा पेपर जो बैठा है मामू, बहुत गलत बॉलिंग करता है, मैं आपको इसकी एक्शन दिखाऊंगा, आप लोग बताओ कि ये बाल सही है कि गलत है। तो चलिए खेलते हैं क्रिकेट। और
दो मैच जीत गए हम, दो मैच आप लोग हार गए हैं। शर्मिंदा हो, आज हम दो मैच जीते, दो मैच जीते हो। और वो भी बूढ़ा गाने तेरा, वो बूढ़ा, ये देखो सारे बूढ़ा, और ये सारे अलग-अलग। आप लोग तो यार एक्सपीरियंस हो ना, आप लोग एक्सपीरियंस की वजह से हमारी जवानी का क्या है, एक्सपीरियंस से आप जीते हो। आप ये देखो, ये डप आपको दिखाई दे रहे हैं, इधर बाल मार के ये विकेट ये इधर लग जाता है सीधा पसीधा, ये तो आउट था, ये तो मेरी गलती है, अभी मुझे दिखाई नहीं देता रात को, तो मैं क्या करूं। अच्छा जनाब, तो बहुत ही जबरदस्त क्रिकेट खेला है आज मामू ने। आज यार बड़े दिनों बाद वो जवानी वाले क्रिकेट हमने आज खेला यार। मारा मामू, तुम लोग गलती करते हो। किस तरह गलती करते हो तुम लोग? डपे मारते हो, डपे, ये देख, ये पुले आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पुले, ये पुला मार के विकेट की तरफ बाल को, ये इसका एक्सपीरियंस है इस चीज में। जब क्रास में बाल होते तो वो आते इस तरह। एक तो यार मेरे चश्मे कब से खराब है, आप लोगों ने भी नोटिस नहीं किया कि ये ठीक कराओ, और हम भी अड़े जाते हैं और भूल जाते हैं, तो इसको सेट करें और कल से ही मैच खेलेंगे कल सुबह। तो बस अभी जाते हैं नमाज पढ़ने, मगरिब की नमाज पढ़ने जाते हैं, और फिर नमाज के बाद गपशप लगाएंगे, कुछ मेहमान भी आए हैं खड़े। तुम झूठ बोलते हो, मैंने तो आउट हो गया हूँ, झूठ तो तुम बोलते हो। तो नमाज के बाद तो ये दोस्त लोग आए गए हैं, दो तीन दिन से फोन कर रहे थे, कोई जरूरी काम है, लेकिन मैं इनसे चुपता हूँ। तो आज इधर आ गए हैं, मुझे बीच में बैठा के साथ लेके जा रहे, कह रहे पहले हमारा काम करो फिर जो करना है करो। तो बस इनके साथ जाते हैं और इनका काम करते हैं। आज बड़ा ज़्यादा थक गया हूँ यार क्रिकेट खेलते खेलते, तो बस फिर गपशप लगाते। अच्छा जी, तो बस घर पर मौजूद हूँ, आज जैसे ही क्रिकेट खेला है तो बस उन दोस्तों ने घेर लिया, उसके बाद मेहमान आए हुए, तो बस बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला, तो बस घर पर ही हूँ। और वर्ड ऑफ द डे आज का मैंने खुद चुन लिया अपने आज के वीडियो से। आज हमने मेले में शरबत पिया था यख दगुड़े का, हाँ, तो यख दगुड़े को उर्दू में हम ट्रांसलेट करेंगे आपके लिए। तो यख दगुड़े का मतलब होता है, यख मतलब ठंडा और गुड़ तो मतलब गुड़ा, तो गुड़ को कहते हैं। तो यख दगुड़े का मतलब हो गया कि गुड़ का डंडा शरबत, तो इसको कहते हैं यख दगुड़े। तो ये हो गया जनाब आज का हमारा वर्ड ऑफ द डे। इसके बारे में आप लोग कमेंट में बता भी दीजिए कि मतलब क्या ये हमारा जो सोच है कंटेंट अच्छा है या नहीं है, तो इसके बारे में ज़रूर कमेंट करें। और बस और तो कुछ है नहीं, कल इंशाल्लाह सुबह संडे भी है, तो सारे सब लोग सब घर पर होंगे, तो बहुत ज़बरदस्त इंजॉय करेंगे, गपशप लगाएंगे। तो बस सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बस यही कहूँगा, और तो कुछ है नहीं करने को। तो बस इधर ही अपने ब्लॉग को एंड करेंगे, कल इंशाल्लाह मिलेंगे नई एनर्जी के साथ, नए कंटेंट के साथ और संडे वाइब्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।